तो क्या बोलती है मापले मचा की पब्लिक, एक और वीडियो में आपको स्वागत है। मेरे को पता है कि आप लोग मेरे रिएक्शन वीडियो का वेट कर रहे होंगे, बट वो भी आएगा। बट उससे पहले मेरे को कुछ बात करनी थी, और ये जो बात है ये है प्रेम गीत 3 के बारे में। देखो, थोड़े टाइम पहले एक नेपाली मूवी प्रेम गीत 3 का टीजर रिलीज हुआ था, उससे पहले उसका पोस्टर रिलीज हुआ था। और मैंने जब वो टीजर देखा तो मेरे को एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। सच में नेपाली मूवी से मुझे एक्सपेक्टेशन पहले बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे लगा हाँ ठीक है, देखते हैं। फिर बाद में मैंने जो उसका ट्रेजर देखा नेपाली लैंग्वेज के अंदर, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने रिएक्शन दिया, मुझे बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद में काफी सारे कॉमेंट्स ऐसे लगे कि सर ये हिंदी के अंदर भी रिलीज होने वाली है, और ये पहली मूवी है जो इंडो और नेपाल का एक कॉम्बिनेशन, मतलब कोलैब करके बन रही है। ये मूवी जो है नेपाल के साथ में इंडिया में भी रिलीज होने वाली है। और तब मैंने जाकर के प्रेम गीत 3 के बारे में थोड़ा थोड़ा रिसर्च करना स्टार्ट किया। पता लगा कि प्रदीप काड़ाका बहुत बड़े सुपरस्टार है, और उनके मैंने दो तीन ट्रेलर्स के ऊपर रिएक्शन भी किया। और टू बी ऑनेस्ट, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत पसंद आया प्रदीप काड़ाका। भाई बहुत हैंडसम है और बहुत टैलेंटेड है। और जसीदा गोरांग की भी बात कर, जो कि मेन लीड में है प्रेम गीत 3 के अंदर, वो भी बहुत ब्यूटीफुल है। हाँ, उनका फेस थोड़ा कोरियन टाइप में लगता है मेरे को, बट मुझे अच्छी लगी, मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगी। और एक्टिंग नो डाउट उनकी भी बहुत अच्छी है। तो इसको भी हिंदी के अंदर भी रिलीज करवाया जा रहा है। पहले बोला था कि इसका जो ट्रेलर है वो आपको 18 तारीख को देखने को मिल जाएगा, इसी महीने की, लेकिन आज 30 तारीख हो गई, ट्रेलर रिलीज नहीं हुआ है। उसके पीछे का रीजन भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों नहीं हो पा रहा है। और अब कहा जा रहा है कि इसका जो ट्रेलर है वो आपको 1 सितंबर को देखने को मिलने वाला है। तो पता नहीं, अभी मैं कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ कि वो 1 सितंबर को आएगा या नहीं आएगा, बट मेरे को लगता है कि अगर ये 1 सितंबर को इसका ट्रेलर रिलीज होता है हिंदी के अंदर, तो उससे पहले ही मैं अपना जो ओपिनियन है वो आप लोगों के सामने रखूं। जो क्या ऐसे रीजन है जिसकी वजह से ये जो मूवी है इसको प्रमोशन इतना नहीं हो पा रहा है, इसको इतना प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं। देखो, मेन रीजन तो मेरे को जो लग रहा है कि पहली बात, बॉलीवुड के अंदर बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज हो रखी है। जब से साउथ इंडियन मूवीज लोगों ने देखनी स्टार्ट करी है, पता लगा है लोगों की भाई साउथ इंडियन मूवीज में बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है, तब से बॉलीवुड मूवीज का बाइकॉट स्टार्ट हो गया। हर कोई बॉलीवुड मूवीज को बाइकॉट कर रहा है, बॉलीवुड में अच्छी मूवीज नहीं बन रही है, बड़े बड़े जो स्टार है उनकी सारी सारी मूवीज फ्लॉप हो रही है। अब ऐसे के अंदर कहीं ना कहीं बॉलीवुड की जो बड़ी पब्लिक है उनको भी ऐसा डर है कि यार अभी साउथ इंडिया की जो मूवीज हैं वो सारी सारी सुपरहिट होती जा रही है, और अब साउथ इंडिया की मूवीज को हर कोई देखना चाहता है। अब अगर नेपाल की जो मूवी आई थी प्रेम की 3, ये भी अगर इंडिया के अंदर सुपरहिट हो जाती है, लोगों को अच्छी लगती है, तो आगे जाकर के नेपाल की जितनी भी अच्छी मूवीज होंगी, बड़ी बड़े बड़े बजट की मूवीज होंगी, वो हिंदी में भी रिलीज होगी। और अगर ऐसा होता है तो जैसा साउथ इंडियन मूवीज के साथ हुआ वैसे नेपाली मूवीज के साथ में भी होगा, यानी कि बॉलीवुड टोटली फिनिश हो जाएगा, टोटली फिनिश। क्योंकि अभी जब से साउथ इंडियन मूवीज को लोगों ने देखना स्टार्ट किया, KGF, RRR, ये जो मूवीज आई है, इसके बाद में बॉलीवुड की जो एक छवि होती है जो एक पूरा खत्म हो चुका है, मतलब बॉलीवुड को तो मतलब बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। उनके पास स्क्रिप्ट नहीं है, अच्छे भी एक्टर्स हैं, ऐसा नहीं एक्टर्स अच्छे नहीं, अच्छे एक्टर्स हैं, बट पता नहीं क्या चल रहा है, उनकी मूवीज फ्लॉप पे फ्लॉप होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक इनसिक्योरिटी रहती है बॉलीवुड वालों के मन में कि यार अगर बॉलीवुड के अंदर ये हिंदी के अंदर रिलीज हो जाती है प्रेम गीत 3 और अच्छी ऑडियंस इसको देखती है, ऑडियंस को अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो कहीं ना कहीं जो नेपाल की इंडस्ट्री है वो बॉलीवुड के अंदर भी अपना सिक्का जमा लेगी। और इसी एक रीजन की वजह से है ना बॉलीवुड के जो सेलिब्रिटी हैं, काफी सारे इंटरव्यूज मैंने देखे हैं, हालांकि मैं उनको नहीं डाल सकता क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी डेफिनेटली। मैंने इंटरव्यू देखे हैं जहां पे उनसे पूछा जा रहा है प्रेम की 3 के बारे में, प्रदीप काड़ाका के बारे में, कि उनका डेब्यू हो रहा है बॉलीवुड के अंदर, हिंदी के अंदर रिलीज हो रही मूवी, कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है भाई, कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है। अगर साउथ की बात करें तो जूनियर NTR किससे उनसे किसी ने इंटरव्यू में पूछा तो उन्होंने एक पॉजिटिव फीडबैक दिया, कहा कि हाँ मैंने ट्रेलर नहीं देखा है प्रेम गीत 3 का, बट मोशन पोस्टर देखा था, वो मुझको अच्छा लगा और आगे जाके मैं ट्रेलर भी देखूंगा डेफिनेटली, और मूवी अगर हिंदी में रिलीज होती है तो हो सकता है कि वो मूवी को देखेंगे भी। तो वो सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब साउथ वाले ही सपोर्ट कर रहे हैं, बट बॉलीवुड की तरफ से कोई भाई सपोर्ट में नहीं आ रहा है। और यहाँ तक कि ये जो जी म्यूजिक कंपनी है जहाँ पे इस मूवी के ट्रेलर को रिलीज होने वाला है शायद हिंदी में, अभी तक कंफर्म नहीं है कि वो रिलीज होगा भी नहीं होगा, क्योंकि 18 को होने वाला था और 18 जा चुकी है, अब 30 तारीख आ गई है, अब लोग बोल रहे कि 1 तारीख को आने वाला, तो पता नहीं है। बट मूवी रिलीज होने वाली सेप्टेम्बर के अंदर, और अभी तक ट्रेलर पता ही नहीं चल रहा है, टीजर बहुत टाइम हो गया आके।
गाने, इसके अगर गानों की बारे में बात करें तो प्रेम की 3 के गाने नेपाली लैंग्वेज के अंदर तो है ही बहुत बढ़िया, लेकिन जो हिंदी लैंग्वेज के अंदर गाना आया था कोई ना कोई, भाई क्या गाना है, जुबिन नोटियावाल की आवाज है उस गाने के अंदर, और प्रदीप कड़ाका, जैसिता गौरांग का जो मतलब विजुअल्स चल रहे हैं, जो वीडियो सॉन्ग है, इतना ब्यूटीफुली पिक्चराइजेशन है, जो स्क्रीन प्ले बहुत बढ़िया है। तो उस एक वीडियो सॉन्ग के बाद में ही ना काफी सारे बॉलीवुड के जो सो कॉल्ड नेपोटिज्म स्टार हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि भाई अगर गाने ऐसे हिट हो रहे हैं तो मूवी का ट्रेलर तो पता नहीं क्या ही धमाका मचा देगा। तो कहीं ना कहीं ये इनसिक्योरिटी है, और मेरे को लगा कि यार इसके ऊपर अपना ओपिनियन रखना चाहिए, क्योंकि देखो मेरे फेवरेट, मैं खाली गानों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, प्रदीप के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, जैसिता के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ वॉइस ओवर के बारे में। अगर हिंदी के अंदर प्रदीप कड़ाका को जिसने आवाज दी है, सांकेत मात्रे, भाई वन ऑफ द बेस्ट वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, मतलब उनसे बढ़िया वॉइस ओवर कोई नहीं कर सकता है जहां तक मेरे को पता है। तो यार वो आवाज दे रहे हैं प्रदीप कड़ाका को, मतलब उनको कहीं ना कहीं पोटेंशियल लगा होगा ना, कहीं ना कहीं देखा होगा कि भाई हाँ नेपाली मूवी में दम है, टीजर ट्रेलर देखा होगा, उनको पसंद आया होगा, तब जाकर के वो वॉइस ओवर दे रहे हैं भाई, और बहुत ही ज्यादा मैच हो रहा है। ऐसा लग नहीं रहा है कि भाई प्रदीप कड़ाका नेपाली बात कर रहे हैं, या फिर वो लिपसिंग वाला जो मैटर है वो नहीं दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो जो एक्चुअल में हिंदी आवाज है ना वो प्रदीप कड़ाका की है, मतलब अच्छा लग रहा है, सूट हो रहा है, मैच हो रहा है। तो मैं तो भाई यही आशा करता हूँ, यही होप करता हूँ कि ये जो मूवी है ना ये बॉलीवुड में आए, रिलीज हो हिंदी के अंदर, और सारे के सारे शोज के हाउसफुल जाने चाहिए। एटलीस्ट बॉलीवुड वालों को पता चलना चाहिए कि भाई तुम अगर अच्छी मूवी नहीं बनाओगे ना तो ये मत सोच के बैठो कि बाकी की इंडस्ट्री अच्छी मूवी नहीं बनाएगी, सारी की सारी इंडस्ट्री अच्छी मूवीज बनाती है, सबको एक मौका मिलना चाहिए। बट मैं बस इतना ही बोलूंगा कि यार नेपाली इंडस्ट्री की मूवी आई है, और मैंने अभी पिछले कुछ दिनों से जो नेपाली ट्रेलर्स हैं उसको देख करके मेरे को क्यूरियोसिटी होने लगी, मतलब मेरे को पसंद, बताऊं तो मैंने अभी कुछ नेपाली ट्रेलर्स के ऊपर रिएक्शन दिया और मुझे वो बहुत पसंद आ रहे हैं, और अभी शायद धीरे धीरे मैं नेपाली मूवीज को भी देखना स्टार्ट करूंगा, तो मेरे लिए एक नई चीज़ है, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे मजा आ रहा है, और सच्ची बात तो बताऊँ आप लोगों की तरफ से भी बहुत प्यार आ रहा है, मतलब आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया है, और अगेन मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, तो बहुत बहुत थैंक यू, आप लोगों की वजह से 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं, बस ऐसे आगे प्यार देते रहना, और डेफिनेटली जिस दिन प्रेम की 3 रिलीज होगी मैं सबसे पहले वॉच करके आऊंगा, और इसी चैनल के ऊपर उसका आपको ऑनेस्ट रिव्यू मिलेगा। देखो मैं बायस्ड होकर बात करता हूँ कि अगर अच्छा होगा तो डेफिनेटली मैं अच्छा बोलूंगा, और अच्छा नहीं होगा तो मैं अच्छा नहीं ही यही बोलूंगा, मतलब मैं झूठ नहीं बोलने वाला हूँ, पसंद आया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, अपन सच बोलने वाले, झूठ नहीं बोलने वाले। तो खैर यही था मेरे को इस वीडियो में बोलना, मुझे लगा कि बोलना चाहिए। आप लोगों का क्या टेक है, क्या आप लोग की थिंकिंग है, वो मुझे कमेंट करके बताना, और ऐसे ही प्यार देते रहना चैनल को, और प्लीज अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। और रही बात रिएक्शन वीडियो की, तो आज मैं रिएक्शन वीडियो शूट करने वाला हूँ, वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, अभी बस इस वीडियो के बाद में रिएक्शन वीडियो के ऊपर काम करेंगे और जल्दी आ जाएगा। खैर मिलते हैं अगले वीडियो में, तो अगली डू गुड बी गुड पीस आउट बट नो हिट।